देखिए जो है हवन की तैयारी हो चुकी है, तो लिपाई पाई और घर की साफ सफाई हमने सब कर ली है, और तिल और चावल सब जो है धुलकर हमने धूप में डाल दी है। और देखिए हवन के लिए, और जो है देखिए घर में लाइट वाइट जो है बल्ब वल्ब ये सब हमने झालर उलर जो है लगवा लिए हैं, और बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे जो है हवन की तैयारी हो रही है, तो पापा बैठे हुए हैं और जो है कुछ मेहमान लोग जो है बैठे हुए हैं, और देखिए बहुत अच्छा लगता है यहाँ का नज़ारा हमारे घर का आज तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो है हवन बना हुआ है और हर प्रकार की लाइट जो है जल रही है, और यहाँ पे जो है तिल और चावल और जो जितना सामग्री मिलाई जाती है हवन में वो सब मिलाया जा रहा है। और जो है हमारे गुरुजी भी आ गए हैं, तो देखिए जो है ये हमारे गुरुजी हैं। ये देखिए हमारे गुरुजी हैं, तो गुरुजी जो है आ चुके हैं और हवन पे बैठ गए हैं गुरुजी। और जो है हवन जो है प्रारंभ होने जा रहा है, और सभी हमारे गुरु भाई लोग जो है आ चुके हैं, और गुरु बहनें लोग सभी लोग आ चुके हैं, और गुरुजी जो है हमारे देखिए पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद गुरु वंदना करेंगे, फिर गुरु वंदना करने के बाद हवन शुरू करेंगे, और 24 घंटे का जो है हवन है। गुरुजी उधर अगरबत्ती हैं, और देखिए शाम के जो है 7 बज रहे हैं, तो कल जो है शाम के 7 ही बजे समाप्त होगा। तो सभी लोग देखिए मत्था टेक रहे हैं, और पहले देखिए अब हमारे गुरुजी पूजा कर लेते हैं। और जो है इधर आप जो है गुरु वंदना करेंगे। देखिए उधर जो है हवन चल रहा है, ये दूसरा दिन है, तो ये जो है मशरूम आ चुके हैं और भंडारे में जो है भंडारे में बनाने के लिए, तो भंडारा जो है बनाने के लिए हम भंडारे में बहुत चीज़ें बनाएंगे, मशरूम और जो है दाल मखाना और आलू, बहुत चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगी भंडारे में। तो देखिए ये मशरूम हम इनको, और देखिए जो है हमारे घर के बाहर बंगला पड़ा हुआ है, तो इसमें देखिए झूमड़ भी लगे हुए हैं और झालर भी लगी हुई है गेट में, और देखिए बिस्तरा लगा हुआ है। तो हमारे घर के बाहर का नज़ारा देख लीजिए आप लोग कैसा है, और हमें तो अच्छा लगता है देखिए। और हमारे घर जो कुछ मेहमान आए हुए हैं, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो देखिए कितनी गाड़ी खड़ी हुई हैं, बहुत सारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और देखिए खीरा, अदरक और गोभी पत्ता, ये बहुत सारी चीज़ें हैं,
ये सब भी भंडारे में बनेंगी। और देखिए जो है मशरूम काट लेती हैं, तो मशरूम जो है हम इसी तरीके से सभी मशरूम हम काट लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो है हवन हो रहा है, तो हवन हो रहा है तो हमारी दीदी लोग जो है बैठी हुई हैं, हवन कर रही हैं। और यहाँ पे गुरुजी हैं और सभी भाई लोग हवन कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पे अब यहाँ पे जो है हवन समाप्त होने वाला है, तो वंदना होगी और आरती होगी। अब जो है हवन समाप्त हो चुका है। जो आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।